अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 10 नवंबर सन 2022 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पे। 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस निकलने लगी है आज 80 दिन की बंदिश के बाद हवेलियाँ से कराची। तो इस पे आज अपना सफ़र करते हैं हवेलियाँ से रावलपिंडी, और आप देखेंगे तमाम रेलवे ऑफिशियल जो हैं वो मौजूद हैं, रेलवे पुलिस मौजूद है, इसके अलावा तमाम रेलवे का अमला, स्टेशन मास्टर साहब, गार्ड, एसटी और ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, सब लोग मौजूद हैं। तो हमारी दुआ है कि आज का ये सफ़र हज़ारा एक्सप्रेस का कामयाब हो। दोस्तों अभी दोपहर के 2:02 हो चुके हैं और 2 बजे का इसका डिपार्चर है, तो अभी 2 मिनट डिले हो चुका है पहले दिन इनॉग्रल रन के ऊपर। और 13 नंबर कोच है एसी स्टैंडर्ड की, इसमें सफ़र करेंगे आज हवेलियाँ से रावलपिंडी तक। लास्ट टाइम जब मैंने इसमें ट्रैवल किया था तो उस वक्त जो फेयर था वो 410 रुपये था, जो अभी बढ़ के 550 रुपये हो चुका है। बाकी ट्रेन में आपको दिखा देता हूँ, खचा खच उम्मीद है भर चुकी होगी। ये वाली कोच तो पार्शली जो है वो इसमें पैसेंजर नज़र आ रहे हैं, बाकी जो है इकोनॉमी क्लास की जो बाकी कोचेज हैं उसके अंदर काफ़ी रश है। आज पहले ही दिन लोग मौजूद हैं हज़ारा एक्सप्रेस में सफ़र करने के लिए हवेलियाँ से कराची या और जो मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। तो मेरे ख्याल में अपनी कोच की तरफ चला जाए इससे पहले कि ट्रेन जो है वो निकल पड़े। जी इनिशियल डिपार्चर विसल जो है हो चुकी है, डिपार्चर हॉर्न भी हो गया जी और सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके हवेलियाँ से रावलपिंडी। एल्को लोकोमोटिव अपने मखसूस रिदम के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया और हम लोगों ने हवेलियाँ रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है। 2:05 पर डिपार्चर हुआ है जी। दोस्तों हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो ओरिजिनेट हुई है हवेलियाँ से, और सामने आप ट्रेस पासिंग देखें कैसी है। अगर लोगों की ब्रेक ना लगी तो बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, पूरी गाड़ी लेके भाई आ गया ट्रैक के आगे। ये तो ड्राइवर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ब्रेक लगा ली है। देखें एक और गाड़ी भी गुजर रही है। तो दोस्तों मैं रूट के बारे में बता दूं, हवेलियाँ से निकल के टैक्सला कैंट, गोलड़ा शरीफ से होती हुई रावलपिंडी, रावलपिंडी से बरास्ता जेलम, लाला मूसा, और लाला मूसा से फिर ये पकड़ेगी लाला मूसा चोरकोट ब्रांच लाइन, और फिर वहाँ से मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल, उसके बाद सरगोदा, जंग, चोरकोट से होती हुई खानेवाल, और फिर खानेवाल से मुल्तान, और उसके बाद मेन लाइन पे चलती हुई बावलपुर, कानपुर, रहीम यार खान, उसके बाद रोड़ी, और हैदराबाद से होती हुई कराची।
तो आज हवेलिया से सिंध जाने वाली ट्रेन जो है वो बहाल हो गई एक और। मौसम बहुत ही खूबसूरत है आज, क्लियर ब्लू स्काई नज़र आ रहा है आपको और साथ ही एबटाबाद और हवेलियाँ की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आ रही हैं। ले लें जी, ये कोच है ऐसी स्टैंडर्ड की साफ़ सुथरी कोच, ग्रीन कलर की कोशिश हुई हुई है। एसी अभी भी ऑन है हालांकि मौसम चेंज हो चुका है। ट्रेन जो है वो बाकी भरी हुई है पर एसी स्टैंडर्ड की जो कोच है वो तकरीबन समझ लें खाली है। सफ़र अपना एक बार फिर जारी रखते हैं एसी स्टैंडर्ड की कोच में। फेयर के बारे में आपको मैं बता दूं, हवेलियाँ से रावलपिंडी का जो किराया है एसी स्टैंडर्ड का वो 550 रुपये और अगर आपको हवेलियाँ से कराची जाना है तो फेयर 6,350 रुपये। बाकी के जो फेयर्स हैं वो आप पाकिस्तान रेलवे की ऐप से देख सकते हैं और आगे के किसी भी स्टेशन के लिए आप एसी स्टैंडर्ड का डब्बा जो है वो उसमें अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो अभी देखना ये होगा कि हवेलियाँ से निकलने के बाद जो हमारी ट्रेन है हज़ारा एक्सप्रेस वो इस सेक्शन के अंदर यानी कि हवेलियाँ से लेके और टेक्सला छावनी जंक्शन तक किन किन स्टेशन्स के ऊपर स्टॉप करती है। अभी ट्रेन हमारी बालढेर रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच चुकी है। और यहाँ पे स्टॉप होगा इसका, लोग मौजूद हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप जो है वो कौन सा होगा और सराय साले पे रुकेगी ट्रेन या नहीं रुकेगी या फिर डायरेक्ट या आके हम रुकेंगे हरिपुरा तारा रेलवे स्टेशन। जी सराय साले रेलवे स्टेशन आ गया है और उम्मीद है कि यहाँ पे नहीं रुकने लगी हज़ारा एक्सप्रेस। और उसके वाजा जो है उसका इशारा भी मौजूद है क्योंकि पैसेंजर कोई नज़र नहीं आ रहा प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ। पास थ्रू होगी जी ट्रेन हमारी, तो नेक्स्ट स्टेशन होगा अभी हरिपुर हज़ारा का, वहाँ जाके ट्रेन रुकेगी और होपफुली वहाँ से ट्रेन जो है वो कम्प्लीटली तौर पे जो है वो करने वाली है।
जी तकरीबन 2:45 ट्रेन हमारी दाखिल हो रही है हरिपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन पे। और पैसेंजर आप देखें, ओए होए, खासे पैसेंजर हैं जी पहले दिन ही। जी पैसेंजर अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं और अभी तक बोर्ड हो रहे हैं ट्रेन में। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा स्टॉप होता है, मेरे ख्याल में 5 मिनट तक का स्टॉप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नज़ाकत भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है। आज मुबारक हो, आपकी ट्रेन आ गई, आज ट्रेन आ गई आपकी, आज बहुत शुक्र है अल्लाह का। आज हमने कवर की है सुबह के 267 अप पे और फिर इसको इस साथ वापस आ रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को रुके हुए हरिपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन पे। मुसाफिर तकरीबन सभी सवार हो चुके हैं अपनी ट्रेन में और किसी भी वक्त जो है वो डिपार्चर विसल जो है सुनाई दे सकती है हज़ारा एक्सप्रेस की। तकरीबन 7 मिनट हरिपुर हज़ारा रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस बढ़ रही है अपनी मंजिल की जाने। सवा 3 बजे ट्रेन हमारी
अप्रोच बना रही है एक और नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे भी स्टॉप होगा। तीन बज के 17 मिनट पे डिपार्ट कर रही है ट्रेन हमारी कोर्ट नजीबुल्ला रेलवे स्टेशन से, और होपफुली नेक्स्ट स्टॉप होगा इंशाल्लाह टैक्सला छावनी जंक्शन पे। ट्रेन हमारी उस्मान खट्टर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है, यहाँ पे नहीं रुकेगी, स्टॉप नहीं है यहाँ पे इसका। जबकि रावलपिंडी पैसेंजर जो है 267 अप और 268 डाउन, वो दोनों ट्रेन जो है यहाँ पे रुकती हैं। शाम को 3:51 पे टैक्सला छावनी जंक्शन पहुंच चुके हैं। पैसेंजर मौजूद हैं इस वक्त टैक्सला छावनी जंक्शन पे। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई,
यहाँ से आगे इंशाल्लाह बैठते हैं लोकोमोटिव में, कैब राइड भी आपको करवाएंगे रावलपिंडी तक। कैसे हैं सर, खैरियत से ठाक है? बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू, आप वीडियोस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है छोटे मोहम्मद यूसुफ? हाँ जी, क्या हाल है बेटे, ठीक हो आप? खैरियत से? तो आपकी एक और ट्रेन चल पड़ी है जी? जी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त। अभी देख रहे हैं कि कितना क्राउड है, बहुत क्राउड है जी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है। और थ्रू आउट जो है ये मकसद मैं देख रहा हूँ इसको, हवेलियाँ से लेके और यहाँ तक हर स्टेशन पे मौजूद हैं। आपकी वीडियो देखी है और भी फुल क्राउड जा रहा था जी, जी यानी कि फुल फिल आ रही है। हाँ जी, मैं बस तकरीबन समझ लें मैंने जल्दी जल्दी जाके वहाँ जो सूरत हाल थी हवेलियाँ पे वो कवर की और फौरन मैंने कोशिश की कि इसको अपलोड करें वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जाफर का यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए कि नहीं, जंक्शन है ये, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जो हायर अथॉरिटीज हैं, ठीक है, बाकी स्टॉप देना ना देना रेलवे की मर्जी है, पर ये है कि बड़ी जगह है और जंक्शन है स्टेशन, तो यहाँ पर होना चाहिए। स्टार्ट हो रही है अवाम, इंशाल्लाह सुना है कि 25 को हो जाएगी, 25 को हो जाएगी और 20 को जाफर स्टार्ट हो रही है। हाँ जी, 20 से जाफर स्टार्ट हो रही है, जाफर स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, फिर आए हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कवर किया है, आप हमारे मसाइल को उजागर कर रहे हैं, ये सारा वो काम तक जाना चाहिए। आपकी जरा नवाजी है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ये थे जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? ये भी आपका फैन है, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो एक दफा फिर मुलाकात होगी आपसे, हाँ जी, कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। तो दोस्तों ये एक्टिविटी आपने देखी इस वक्त टेक्सला जंक्शन पे, काफ़ी रेल फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आसिम भाई, शराज भाई, कठोर साहब और एक सीनियर सिटीज़न जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं पूछ सका। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे इसी तरह जो है अपनी ट्रेन्स आगे बढ़ाता रहेगा और हम इसी तरह इसको कवर करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं लोकोमोटिव कैब में और रावलपिंडी तक आपको इंजन की सैर करवाते हैं। खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ वीर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। तो जी तकरीबन 5 मिनट खड़ी हुई है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस टेक्सला छावनी जंक्शन पे और आगे बढ़ रही है और कुछ दोस्त हमारे और ये खड़े हुए हैं। खुदा हाफिज़, सफ़र कर रहे हैं मेन लाइन 1 पे और टेक्सला छावनी तक जो रेलवे ट्रैक है वो मेन लाइन 5 है हवेलियाँ से लेकर, और हमारा सफ़र जारी रहेगा 1508 किलोमीटर माइलस्टोन तक जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का माइलस्टोन है।
मार्गला टनल से पास थ्रू आओगे जो कि मार्गला हिल्स के अंदर बनी हुई है। रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बनाई है और यहाँ से PLC पकड़ेंगे बाइक क्लिप। शाम के 4:20 हुए हैं और हमारी ट्रेन 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहुंचने लगी है गोल्डा शरीफ जंक्शन पे। यहाँ से राइट वाली जो लूप लाइन है उस पर टर्न होंगे। रुके हैं गोल्डा शरीफ जंक्शन पे और बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जाने, यानी कि मेरी मंजिल जो है रावलपिंडी। ट्रेन निकल जाएगी कराची और
हम अपनी आज की वीडियो जारी रखेंगे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। लाइन छोड़ के आएंगे हम जो अप मेन लाइन है उसके ऊपर, क्योंकि गोल्डा शरीफ तक ड्यूल लाइन है जो कि शुरू होती है चकलाला रेलवे स्टेशन से। और अभी हम आ चुके हैं अप मेन लाइन पे और यहाँ से डाइवर्ट होंगे हम जो डाउन की मेन लाइन है उसके ऊपर। वाशिंग लाइन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं और 4:39 हुए हैं शाम के, जबकि 4:40 का 12:00 एक्सप्रेस का शेड्यूल्ड अराइवल है रावलपिंडी। तो राइट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, सामने 128 डाउन मेहर एक्सप्रेस मौजूद है
क्योंकि 5 बजे निकलेगी मुल्तान के लिए। डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया जा रहा है, जबकि मेहर एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये था फर्स्ट इनॉग्रल रन आफ्टर ऑलमोस्ट 80 डेज, जो आपने देखा हवेलियाँ से लेके रावलपिंडी तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जाफर एक्सप्रेस 20 तारीख को रिस्टोर होगी, तो उसकी कवरेज भी आपको दिखाएंगे। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।